तीन नंबर में ये दिया हुआ है हमें, तो पहले हम ऊपर वाले को एक बार लिख लेते हैं, हमें किससे बनाना है, विलोपन विधि से। तीन नंबर वाले में थोड़ा हम लोग सुधार करेंगे, करेक्शन करेंगे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस 4 उस पार गया 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x, ये y वाला टर्म इस पार आ गया माइनस 2y इक्वल टू 7 उस पार है 7, यानी कि तीन लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग किस विधि से बनाएंगे, पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से जो पहले दिया हुआ उसको समीकरण एक मान लेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। जो दूसरा दिया जस्ट उसके नीचे लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसी में अब लोग हम गुना करेंगे, यहाँ इसी में हम लोग अब गुना करेंगे, x का गुना कितना है 9, इसको समीकरण 1 में गुना करेंगे, इसमें x का गुना कितना है 3, इसको समीकरण 2 में गुना करेंगे, या तो फिर यहाँ y का गुना 2 है इसको 1 से गुना करेंगे, y का गुना 5 है इसको 2 से गुना करेंगे, यानी समीकरण 1 के कोफिशियंट को तो 2 में गुना करेंगे और समीकरण 2 के कोफिशियंट को 1 में गुना करेंगे। 9 3 27x माइनस 9 5 45y इक्वल टू 9 4 36, 9 3 27x माइनस 3 2 6y इक्वल टू 7 21। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह पलट जाएगा, प्लस है तो माइनस, 27 और 27x कट गया। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस, 45y में से 6y चला गया तो 39y और 36 में से किस गया 15, तो y इक्वल टू माइनस, माइनस को भी इस पार लीजिए 15/39, पास 3 से काटते हैं 3 5 15 और 13 39, तो y की वैल्यू कितना आया माइनस 5 5/13। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि हमें x भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, आप चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसी को हम लोग क्या माने समीकरण नंबर 1, 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू कितना आया माइनस 5/13 बराबर 4, 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 बराबर 4, 3x बराबर 4, ये प्लस उस पार गया माइनस 25/13, 3x बराबर 13, एलसीएम 53 52 माइनस 13 कैंसिल 25, 3x बराबर 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2/13, 3 9 27, x बराबर कितना आया 9/13, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x बराबर 9/13 y बराबर माइनस 5/13, यही आंसर विलोपन से बनाए। अब इसी को हम लोग किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए अब जो ये दिया हुआ है इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, पहले वाले को 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, तथा ये जो दिया हुआ है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसको समीकरण 2 मान लिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 5y उस पार गया प्लस 5y, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन में सिर्फ बाएं तरफ हम लोग x का मान निकाल के रखेंगे, x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3 नीचे, इसको समीकरण मान लेंगे 3, क्योंकि ये x का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अब इस x का ये मान है इसको कहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2 सॉरी 9 इंटू x की वैल्यू कितना है 4 प्लस 5y बाय 3, ये माइनस 2y बराबर 7, काट सकते हैं इसको 3 3 9, 3 4 12 प्लस 3 5 15y माइनस 2y बराबर 7,
अब देखिए 15y में से 2y गया, 13y बराबर 7, ये 12 उस पार गया माइनस 12, 13y बराबर 12 में से 7 गया माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5/13। y का मान कितना आया? -5/13। अब y के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में, क्योंकि हमको x का भी मान चाहिए, x का एक्यूरेट मान नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 प्लस 5y बाय 3, 4 का 4 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितना है? -5/13। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे और 3। अब इसको सरल करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 5 × 25 / 13/3। अब देखिए ऊपर में ये भिन्न का घटा है, ये नीचे वाले 3 का जैसा वैसा, ये 13 LCM, 13 चौक 52 माइनस 13 13 कैंसिल 25, ठीक है। अब देखिए 52 में से 25 गया 27/13, और ये बटे मेन बटे ये, और बटे के नीचे कितना है? 3, तो 27/13 और इंटू ये 1/3, 3 × 27 9/13, इसलिए x बराबर कितना आया? 9/13, और y बराबर -5/13। तो आप विलोपन से बनाइए या प्रतिस्थापन से बनाइए, आंसर वही आएगा।